नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में आपके साथ शिवानी पांडे। गले में लपेटने वाला अंगोछा केवल 500 रुपए का, लेकिन बोली 11 करोड़ की लगी। चौंक गए होंगे ना आप। अरे भाई, 11 करोड़ की बोली लगे भी क्यों ना, आखिर ये किसी ऐसे वैसे इंसान का अंगोछा नहीं है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी का अंगोछा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के अंगोछे की नीलामी क्यों की जा रही है, तो ये भी सुनिए। नमामि गंगे परियोजना के लिए निधि जुटाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले एक साल में मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी गई है। शनिवार से ही प्रधानमंत्री मोदी के उपहारों की नीलामी शुरू कर दी गई है। पीएम की लोकप्रियता का आलम ये है कि इन उपहारों के लिए लोग हैरान कर देने वाली बोली लगा रहे हैं। अंगवस्त्र यानी कि गमछा की बोली 11 करोड़ रुपए की लगी है, तो PSLV C7 के धातु से बने मॉडल की कीमत 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि अंगवस्त्र का मूल्य 500 रुपए और PSLV C7 की कीमत 2000 रुपए रखी गई थी। इन उपहारों की नीलामी 3 अक्टूबर तक इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की वेबसाइट पर की जाएगी। पीएम के तौर पर मोदी के पहले कार्यकाल में मिले उपहारों की नीलामी 27 जनवरी से 9 फरवरी 2019 तक चली थी। 4000 से ज्यादा उपहारों की नीलामी से मिला पूरा धन नमामि गंगे परियोजना को अर्पित कर दिया गया था। तब सबसे अधिक बोली लकड़ी से बनी बाइक पर 5 लाख रुपए लगी थी। पिछली बार लोगों ने ऑनलाइन के साथ साथ नीलामी स्थल इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में जाकर भी बोली लगाई थी, मगर इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। NGMA में जाकर इन स्मृति चिन्हों को देखा भी जा सकता है। रविवार को ही 100 से अधिक लोग इन्हें देखने पहुंचे। इस बार नीलामी के लिए कुल 2772 उपहार रखे गए हैं, जो पीएम को देश में अलग अलग स्थानों पर प्रवास के दौरान या दिल्ली में देश विदेश के अतिथियों से मुलाकात में भेंट में मिले। इस बार सबसे कम कीमत गणेश जी की छोटी सी मूर्ति की रखी गई है, जो कि केवल 200 रुपए है। अधिकतम कीमत का उपहार 2.5 लाख रुपए का है। इनकी कीमत तय करने में पारदर्शिता का ख्याल भी रखा गया है। इसमें कला विशेषज्ञों के साथ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का सहयोग भी लिया गया है। नीलामी में गाय बछड़े की धातु की प्रतिकृति की बोली 51 लाख रुपए की लगाई गई है। इसके साथ साथ अंगवस्त्र और PSLV C7 को बोली प्रक्रिया से हटा लिया गया है। नीलामी प्रक्रिया से जुड़े लोगों के मुताबिक फिलहाल बोलियों की जांच की जा रही है। अगर इन्हें संदिग्ध पाया गया तो इन उपहारों की नए सिरे से बोली लगेगी। तो इसी के साथ बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।